SN Live सच सबसे आगे। सिवान में सड़क हादसा, एक घायल, दो बाइक सवार की आमने सामने हुई जबरदस्त भिड़ंत, एक युवक की स्थिति नाजुक। सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र के मैरवा सलेमपुर मुख्य मार्ग के कैथोली गांव के समीप शुक्रवार की अहले सुबह दो बाइक की आमने सामने भीषण टक्कर में एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना के बाद पीड़ित युवक को आनंद फानन में मैरवा के रेफरल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने स्थिति गंभीर बताते हुए सिवान सदर अस्पताल और वहां से फिर गोरखपुर रेफर कर दिया। गंभीर रूप से जख्मी पीड़ित की पहचान धरौली थाना क्षेत्र के रहने वाले 24 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल आजाद के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि धरौली निवासी मोहम्मद अब्दुल आजाद मैरवा की तरफ अपनी बाइक लेकर जा रहे थे। इसी दौरान मैरवा सलेमपुर मुख्य मार्ग के कैथोली गांव के समीप विपरीत दिशा की तरफ से आ रही अनियंत्रित बाइक से उनकी बाइक की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। घटना में धरौली निवासी मोहम्मद अब्दुल आजाद अपनी बाइक सहित खाड़ी में चले गए और बाइक से कुछ दूरी पर जाकर गिरे। घटना के बाद उनके सर फट गया, जबकि दूसरा बाइक सवार अपना बाइक लेकर मौके से फरार हो गया। इधर दो बाइक की आमने सामने की भिड़ंत में आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई, जिसके बाद पीड़ित युवक को स्थानीय लोगों ने उठाकर इलाज के लिए मैरवा के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक डॉक्टर प्रकाश कुमार ने प्राथमिक उपचार कर सिवान सदर अस्पताल और वहां से गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया। चिकित्सकों ने बताया कि पीड़ित को सिर में गंभीर चोट है। इधर घटना की जानकारी पीड़ित के परिजनों को हुई तो चीख पुकार मच गई। घटना के बाद पीड़ित का काफी दयनीय स्थिति है। परिवार के लोगों ने बताया कि युवक डॉक्टर के पास जा रहा था, तभी यह घटना घटित हो गई। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर।